सर्च एग्जामिनेशन जो लास्ट 13 साल से हम लोग सफलतापूर्वक कई राज्यों में इसे कंडक्ट कर रहे हैं, और इस बार भी 6 राज्यों में बच्चे जो 6 राज्य के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 26 साल के इतिहास है गोल्ड संस्थान का, लेकिन 13 वर्ष से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ लगातार कि छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और जो क्लास 6 से लेकर 12th में पढ़ने वाले छात्र हैं इन बच्चों को एक मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को आजमाएं, अपने आप को जानें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो कहाँ और किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए पूरे तरीके से नर्चर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोगों ने पिछले इतने सालों से कंडक्ट कराया और बड़े सकारात्मक इसके रिजल्ट हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए एक बार फिर गोल इंस्टीट्यूट जो है टैलेंट सर्च एग्जाम लेकर आया है, इस बार क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, सर से जान लेते हैं। विपिन सर हमारे साथ हैं, सर इसके पीछे का मेन मकसद क्या रहता है? गोल इंस्टीट्यूट का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो लास्ट 13 साल से हम लोग सफलतापूर्वक कई राज्यों में इसे कंडक्ट कर रहे हैं, और इस बार भी 6 राज्यों में बच्चे जो 6 राज्य के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 26 साल के इतिहास है गोल्ड संस्थान का, लेकिन 13 वर्ष से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ लगातार कि छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और जो क्लास 6 से लेकर 12th में पढ़ने वाले छात्र हैं इन बच्चों को एक मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को आजमाएं, अपने आप को जानें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो कहां और किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए पूरे तरीके से नर्चर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोगों ने पिछले इतने सालों से कंडक्ट कराया और बड़े सकारात्मक इसके रिजल्ट हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th ये कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ पर छात्रों को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाता है। उसमें यह ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाई जिस लेवल पर दिया जाता है, और स्कूल बहुत अच्छे तरीके से जो अच्छे शिक्षक और स्कूल हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिशन का भी उसे रहस्य और उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, ऐसा मानते हैं हम। और इसी सामाजिक जो दायित्व है हमारा, इसे निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस काम को इतने वर्षों से किया है। तो जो 6, 7, 8, 9, 10 में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये कंपटीशन के रहस्य को जान जाते हैं। OMR को फिल करने के तरीके से लेके एक्यूरेसी कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग पहले से बच्चों को मिल जाती है इसके माध्यम से। अब अचानक से 10th करने के बाद उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि हमें अचानक कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। तो मेरा मानना है कि जो चाहे अनचाहे जिसे हमें फेस करना ही है, उसके लिए क्यों ना शुरुआती दौर से उन बच्चों को तैयार किया जाए। और समाज के प्रति ये बहुत बड़ा दायित्व है हम सब लोगों का कि चूंकि शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, 26 वर्ष हो गए, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी मिला है इन्हीं समाज के लोगों के द्वारा मिला है, तो इनके लिए रिटर्न बैक क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी जवाबदेही है हमारी, और उस जवाबदेही को हम निभा रहे हैं। और ये इसमें जैसे एग्जामिनेशन अगर बात किया जाए तो 2 फेज में एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन 26 नवंबर को होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है वो 20 नवंबर को है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन तो कहीं से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन नियरेस्ट सेंटर पे जाकर वो कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म। और इस फॉर्म को भरने के बाद 26 तारीख को प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे जो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। AI बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें बच्चे चीटिंग भी करेंगे तो पकड़े जाते हैं, इसके बाद भी ट्रांसपेरेंट रहे पूरा सिस्टम, इसलिए मैंने सेकेंड एग्जामिनेशन को भी हम लोगों ने डिसाइड किया, और हर वर्ष ऐसे ही करते हैं। सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में सेंटर्स निर्धारित किए जाते हैं, वहां पे बच्चे आते हैं और उस सेंटर पे एक साथ बैठकर एक ही साथ एक टाइम में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, टाइमिंग होता है, उसी टाइम पे हम लोग बच्चों का वो एग्जाम लेते हैं। जितने भी बच्चे ऑफलाइन वाले सेकंड टेस्ट में बच्चे आते हैं, इन सभी बच्चों को हम लोग सेमिनार के लिए बुलाते हैं। सेमिनार में उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइन दिया जाता है, चाहे किसी स्ट्रीम में जाना चाहें, नॉट ओनली मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज से लेकर लॉ प्रोफेशनल से लेकर वो मैनेजमेंट तक किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके एक्सपर्ट के द्वारा उसे गाइडलाइन दिया जाता है कि उसके आगे के रास्ते क्या हैं। और साथ ही साथ हर पार्टिसिपेंट्स को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। मेडल और सर्टिफिकेट उन बच्चों को प्रोत्साहित करता है और आगे और बेहतर करने के दिशा में उसे और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और प्रोत्साहन के साथ पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो ये सारी सोच है हम लोगों की, जिस सोच के साथ गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ले रहे हैं। अब इसके परिणाम अगर मैं बताऊं तो पिछले इतने वर्षों में अगर देखें तो सैकड़ों छात्र हैं डॉक्टर इंजीनियर के अलावा IAS IPS और लॉ प्रोफेशनल बने हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके द्वारा जब हम लोगों को रिटर्न बैक मिलता है
कमेंट्स मिलते हैं, तो ये एक सुखद अनुभव होता है और लगता है कि जो हम लोगों ने मेहनत की है, जो आउट ऑफ द वे हम लोगों ने एक काम किया है जिसमें सिर्फ डेटा कलेक्शन का हमारा मकसद तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वैसे भी छात्र मेरे पास जुड़ते हैं गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में, जिसे गोल में नहीं आना है, किसी दूसरे संस्थान में जाना है, तो भी बच्चों को रोका नहीं जाता है और न ही किसी को फ़ोन नंबर लेकर बार बार उनको बताया जाता है। तो मेरा ये जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, डेटा कलेक्शन का व्यवस्था नहीं है, इसलिए फ्री में नहीं लिए जाते, इसके लिए 200 रुपये चार्ज है, जिसमें 50 रुपये बच्चों को अभी छूट भी दिया जा रहा है शुरुआती के टाइम में, उसमें मिलेगा, वो सारी छूट भी मिलना है। तो मकसद पैसा लेने का नहीं है, मकसद किसी का रोल नंबर फ़ोन नंबर लेकर डेटा कलेक्ट करने का नहीं है, मकसद बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि उन बच्चों को वो सारी चीज़ें मिले जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जिस लक्ष्य तक वो पहुंचना चाहते हैं, जिसने जो गोल सेट किया है उस गोल को हम गोल मिलकर क्या कर सकते हैं और कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे आसान कर सकते हैं, यही हमारा मकसद है। निरंतर हम इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, 6 स्टेट के बच्चे इस बार फिर से पार्टिसिपेट करेंगे और ये आज के दिन की शुरुआत है, जन्माष्टमी है और शुभ दिन है, तो मैं प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से कि उन बच्चों के अंदर इतनी लगन क्षमता हिम्मत दें कि वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। कभी कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे को अचानक कंपटीशन का लोड बढ़ता है 11th 12th में और बच्चे गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत एक्ट कर देते हैं वहाँ पे, जो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए भी एक बदनुमा दाग है, हम शिक्षण संस्थान चलाने वालों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है। तो मुझे लगता है कि यदि बच्चों की ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उसकी काउंसलिंग प्रॉपर हो और सही तरीके से कंपटीशन को धीरे धीरे करके उसको दिया जाए और ये महसूस किया जाए कि ये छात्र किस लायक है, क्या ये प्रेशर लेने लायक है या नहीं, अगर प्रेशर लेने लायक नहीं है तो निश्चित रूप से उसको ये फोर्स नहीं करना चाहिए। तो जब इस तरीके का कंपटीशन में बच्चे भाग लेते हैं, अभिभावक भी समझ जाते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है उसे भी समझ में आ जाती कि इन बच्चों पर यह दबाव देना ही चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अब डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, IAS ही बनना है, ऐसा दबाव क्यों, अगर वो बच्चा शायद जो मन की जो जो जिस लायक है वो स्टूडेंट, उस लायक की चीज़ें उसे दी जाए तो वो एक समाज का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन जाए, राष्ट्र का धरोहर बन जाए, जरूरी नहीं सब डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने। तो कहीं ना कहीं तह में अगर आप जाएंगे तो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व निर्वहन हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार काउंसलिंग चलती है, अभिभावक से आग्रह किया जाता है, छात्रों को मोटिवेट किया जाता है, उनको समझाया सिखाया जाता है और कंपटीशन को स्टेप वाइज कैसे अचीव करना है ये रहस्य सिखाया जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, गोल इंस्टीट्यूट भले ही जो भी 26 वर्षों में काम किया है, लगभग 15-17 हज़ार बच्चे निकल कर गए, डॉक्टर बने, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं, अपने समाज को उस लेवल पे स्वास्थ्य दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा, उतना ही बड़ा महत्वाकांक्षी हमारा ये प्रोग्राम रहा और इसके परिणाम बहुत सुंदर आते रहे। सर की कई खबरें ऐसे देखने को मिलती है कि जहां 6ठी क्लास से ही माँ बाप जो है अपने बच्चों को कोटा अन्य जगह पर भेज देते हैं, जहां बच्चे सही तरह से वो मेच्योर जो बच्चे होते हैं वो तो अपना किसी तरह से हाथ पांव मार करके वो कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी मेच्योर नहीं हुए हैं और माँ बाप का दबाव के कारण वो अन्य जगहों पर चले गए, क्या उन बच्चों को भी रोकने की एक इस तरह की पहल की जाए? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि क्लास 6 बहुत टेंडर एज है, इस समय में दबाव नहीं देना चाहिए, इस समय में उसको जानकारी देना चाहिए, समझ देनी चाहिए, उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, ना कि उसे मशीन बनाने की कोशिश की जाए। हम कोचिंग संस्थान को संचालित करते हैं लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इतने कम उम्र के बच्चों पर वो दबाव दिया जाए, उसको पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी खेलना है, बच्चों के साथ रहना, उसके मम्मी पापा का साथ होना और समाज में चीज़ों को सीखना, ये सब कुछ जरूरी है, तभी वो सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकता है। क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 बहुत टेंडर एज है, इस एज में तो बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बट लेकिन अगर ऐसे बच्चे में, हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं जानता कि क्यों ऐसा करते हैं, बट मेरा आग्रह ज़रूर होता है ऐसे पेरेंट्स से कि अभी बच्चे को खेलने का समय है, खेलने का समय और पढ़ाई का समय को बैलेंस करवाएं, मोटिवेट करें, अच्छे संस्कार अच्छी सोच दें,
काउंसलिंग करें, तनाव और दबाव में देने की ज़रूरत नहीं है। अपने सपने को बच्चों के ऊपर नहीं थोपा जाए। बच्चे समझदार हैं, मैं मानता हूं कि हम लोग से ज़्यादा टैलेंटेड ये जो पीढ़ी है वो हमसे 4 times ज़्यादा टैलेंटेड है, 5 times ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के एनर्जी को सहेजना, संवारना और सही रास्ते पे ले चलना ही सिर्फ हमारा दायित्व हो सकता है। बाकी ये जो करेंगे वो हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। हाँ, कहीं गलत रास्ता भटक न जाए, ये भी जवाबदेही हम लोग को लेना है। अब 9th-10th आ गया तो कॉम्पिटिशन की तैयारी तो हमको करना होगा, क्योंकि ये चाहे या अनचाहे आपको जहाँ पे 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश का है वहाँ एक एक सीट के लिए हजारों कैंडिडेट होते हैं, हजारों कॉम्पिटिटर होते हैं, उसको कैसे फेस करना और कैसे वहाँ से निकलकर आपको अव्वल होना है, इसके लिए कॉम्पिटिशन का अप्रोच तो उन बच्चों में चाहिए ही चाहिए, लेकिन दबाव के साथ नहीं, उसकी सहजता को स्वीकारते हुए, उन बच्चों के क्षमता को पहचानते हुए और उन बच्चों के दिशा निर्देश जो कब कहाँ और किस तरीके से दिया जाए इन बातों में को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इससे प्रोफेशनल लेवल पे काम करने से नहीं होगा, हर एक बच्चे के लिए पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और शायद भीड़ में ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को अनुरोध करूँगा कि अगर आपका बच्चा आपकी हर बात को समझता है और इंजॉय करते हुए काम करता है तो निश्चित रूप से क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में आप कंपटीशन का वो स्वरूप प्रस्तुत करें। लेकिन अगर बच्चा दबाव महसूस करता है, वो डिनाई कर रहा होता है, वो परेशान हो रहा था, उसकी साइकोलॉजी को ज़रूर समझे और वो साइकोलॉजी को समझ कर जो एप्रोप्रिएट लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं या जो उस रास्ते के एक्सपर्ट हैं उनके पास ले जाकर उनकी काउंसलिंग कराएं। मैं समझता हूं कि यह बेहतर रास्ता होगा और हम सुदृढ़ समाज का निर्माण, सुदृढ़ हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर साल GTSE एग्जाम आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं तो कितनी मेहनत करनी होती है, बहुत रिसर्च भी करने होते होंगे आपको, बहुत मेहनत। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग की एक बड़ी टीम है जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उस पर रिसर्च करता है और अभी के डेट में स्टूडेंट्स को किस तरह से उनके मेरिट को सही तरीके से टेस्ट करके जज करना है उसके लिए उस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है। जैसे आपने ओलंपियाड का नाम सुना होगा या NTAC, उस तरह का जो कॉम्पिटिशन होता है उस तरह का ही कॉम्पिटिटिव अप्रोच हम लोग लेकर आते हैं और बिल्कुल न्यू रिसर्च्ड क्वेश्चन के माध्यम से उनके ब्रेन मैपिंग के थ्रू हम लोग उनके IQ को भी टेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी जानते हैं और ये देखते हैं कि उनके अंदर कॉम्पिटिटिव अप्रोच कितना है। बिहार से बाहर के भी बच्चे आ रहे हैं? बिल्कुल, बिहार के से बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि वो स्टूडेंट जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नो मैटर वो ऑर्डिनरी भी अगर हैं, तो धीरे धीरे वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच जानने और सीखने के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी ले आते हैं। इस बार भी उम्मीद है सर कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गोल के। निश्चित रूप से जिस तरीके से गोल संस्थान का एक लोगों के बीच में, खासकर छात्र और अभिभावकों के बीच में जो पहचान बनी है, तो इसमें ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ेंगे और जुड़कर अपने लेवल को आजमाएंगे और मैं मानता हूं कि हमारी बातें अगर वो समझ रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंपटीशन को महसूस करने के लिए उस संस्थान के ये अच्छे प्रोग्राम को ज्वाइन कर इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर का, साथ ही साथ रंजन सर ने बहुत कुछ जानकारी दी है एग्जाम के को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ। धन्यवाद।